अगर आप खरीदने जा रहे हैं एक नई बाइक, चाहे वो 100 सीसी की हो या फिर 150 या फिर 200 सीसी की हो, तो आपको पांच मिस्टेक, ये पांच गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आप, सच बता रहा हूं ना भाई, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि भाई मैंने इसकी वीडियो देखकर उसकी वीडियो देखकर एक बाइक खरीद ली और अब मैं परेशान हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो के साथ बने रहो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग ये करते हैं कि उनका जितना बजट होता है वो अपने बजट से ज्यादा महंगी बाइक खरीदते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, 50,000 दो बाइक ले जाओ और उसके बाद इतनी किस्तें चलती हैं कि बाइक खत्म हो जाती है लेकिन उनकी किस्त नहीं खत्म होती है। इसलिए जितना आपका बजट है उतने में ही बाइक खरीदें, आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी गलती, अगर आपको माइलेज वाली बाइक खरीदनी है तो माइलेज वाली ही बाइक खरीदो, अगर आपको पिकअप चाहिए तो पिकअप वाली बाइक खरीदो। ऐसा नहीं कि आप नमक में शक्कर का मजा मत ढूंढो। मान लो आप कोई महंगी बाइक या पावरफुल बाइक आप ले रहे हो और अगर आपको लगता है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सही चलाओगे तो बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं दे देगी, सही माइलेज देगी लेकिन बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं देगी, तो आपको ये देखना है कि आपको माइलेज वाली बाइक खरीदना है या फिर पिकअप चाहिए, पावर चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक मशीन खरीद रहे हो और आपको, जैसे मान लो मैंने कहा 200 सीसी तक, अगर आप 350, 400, 500, 1000, 2000 सीसी की बाइक खरीद रहे हो तो आपको उस मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, नहीं होगी तो आप बुरे फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आपको चाहिए क्या, माइलेज चाहिए, पिकअप चाहिए, पावर चाहिए, क्या चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अलग हूँ, आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, इंस्टाग्राम पर आपने रील देखी और आपने एक इमेज बना ली कि मुझे इस बाइक को खरीदनी है। जरूरी नहीं है दोस्त कि आप उसी बाइक को खरीदो, क्योंकि जैसे मैं अभी गोवा गया था, वहाँ पर आपने देखा मेरी टेस्ट राइड की वीडियो में कि वहाँ पर जैसे यामाहा के फसिनो स्कूटर बहुत ज़्यादा दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर उसका टैक्सी किराए पर लोग उपयोग कर रहे थे। दक्षिण भारत में आप जाएंगे होंडा की बहुत सारी बाइकें या स्कूटर बिकते हैं, कुछ जगह पर TVS की ज़्यादा बिकती हैं, कुछ जगह पर हीरो की ज़्यादा बिकती हैं। तो इसमें ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ वीडियो या फिर रील पर ही निर्भर नहीं रहना है, आपके इलाके में, आपके एरिया में, आपके राज्य में जो बाइकें ज़्यादा बिकती हैं उनको आपको ज़्यादातर जैसे खरीदने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो बाइकें ज़्यादा बिकेंगी उनके स्पेयर पार्ट, उनके मैकेनिक हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे और आप सही से उनको रिपेयर करवा लेंगे। क्योंकि खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाथी जैसे खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं, उसको पालना बहुत बड़ी बात होती है। तो बाद में आपको जैसे उसको रिपेयर करवाने में, उसको सर्विस करवाने के पास आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होगी कि आप चाहें तो आफ्टर मार्केट करवा लें या फिर आप सर्विस मतलब सर्विस सेंटर में करवा लें, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए देखें, ज़्यादातर जो बाइकें ज़्यादा मिलती हों तो फिर आप उनको ज़्यादातर खरीदने की कोशिश करें। ये तीन गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको इंजन के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ा सा इंजन के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए और आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए तो आपको पता हो जाना चाहिए। अब अगली जो गलती करते हैं, आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जो बाइक स्कूटर खरीद रहे हैं उसके सर्विस सेंटर कितने हैं, कितनी दूर पर सर्विस सेंटर हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको बाइक खरीदनी चाहिए, नहीं तो फिर आप इसके बाद बिगेस्ट मिस्टेक अपने लाइफ की करने वाले हैं। और हाँ भाई, कुछ लोग दिखावे के लिए बाइक को खरीदते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कोई बाइक खरीद रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप उस बाइक को खरीदें तो कहीं पर जाएं तो हर कोई उसको देखेगा, क्योंकि अब दुनिया ने YouTube पर सारी बाइकें देख ली हैं। अगर आप सिर्फ दिखावे के चक्कर में खरीद रहे हैं तो ये निर्भर करता है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। वो हो सकता है बहुत सारी बाइकों के बारे में ना जानते हों, तो जो आपने बाइक खरीदी है उसको देख कर वो लोग कहें वाह भाई तूने क्या बाइक खरीदी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसकी वीडियो बनाएं तो लोग वाह वाह करें, क्योंकि हर जगह पर लोग देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ना आए। और इसके अलावा जैसे अभी मैंने एक और बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि क्या डाउन पेमेंट देनी है, कौन सी एसेसरीज लगवानी है, कहाँ पर क्या करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक नई बाइक खरीद रहे हैं, उसमें कुछ एसेसरीज लगती हैं, उसके फिर सर्विस भी होती है, फिर उसमें कुछ कमियां भी आती हैं,
तो इसलिए जो मैंने अभी कहा कि दिखावे के लिए बाइक खरीद रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगली जो गलती है, मान लीजिए आपको कोई बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप अपनी पसंदीदा बाइक खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको कोई ऐसी बाइक पसंद है जो बहुत ज़्यादा नहीं बिकती है, आप उसको खरीद रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको दूर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो हो सकता है माइलेज भी कम दे। तो इन सारी चीज़ों का माइंड सेट आपको बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे कि भैया मैंने कौन सी बाइक खरीद ली, किसने क्या बताया था। मतलब ये सारी चीज़ें आपको सोच कर ही नई बाइक खरीदनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में आप लोग नई बाइक खरीदेंगे तो कल को कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपके साथ, तो मैंने सोचा आप लोगों को सारी जानकारियां दे देता हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये है M2R प्लस पॉलिश, ये M2R शैम्पू, ये अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, मीशो फ्लिपकार्ट अमेजन पर मिल रहे हैं। ये आपकी बाइक स्कूटर कार के कलर को प्रोटेक्ट रखते हैं, बचा के रखते हैं। आप चाहें तो इनको एक बार टेस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो फ्लिपकार्ट अमेजन पर मिल रहे हैं, जाकर खरीद सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।